बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। ये एक बाप की वीडियो है। इसकी ख्वाहिश थी कि इसका बेटा हाफिज़े कुरान बन सके। तुर्की से तलक रखने वाले इस बेटे ने अपने बाप की ख्वाहिश पर अमल करते हुए कुछ ही अरसे में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लिया। हिफ्ज़े कुरान की तकरीब रखी गई। बाप चलता हुआ इस बेटे के पास आया और अचानक झुककर फरते मोहब्बत से इसके पांव चूम लिए। ये देखकर बेटा उस पर बेकरार होकर गिर पड़ा और बेख्तियार रोने लगा। यकीनन शर्फ इल्म सबसे बड़ा शर्फ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी बड़े से बड़े वली, किसी बड़े से बड़े मुहद्दिस, किसी बड़े से बड़े मुफस्सर, किसी फकीह और किसी कुतुब की जन्नत भी उसकी माँ के कदमों तले रख दी है और बाप को उस जन्नत का दरवाज़ा करार दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको औलाद दे रखी है तो अपनी औलाद को अपने लिए सदकाए जारिया बनाइए। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तरफ लगा दीजिए, हिफ्ज़े कुरान करवाइए। असरी तालीम के साथ साथ उनकी दीनी तालीम पर भी तवज्जो दीजिए। ये औलाद क़यामत के दिन तक आपके लिए सदकाए जारिया बनेगी और आपको सवाब पहुँचाती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।